बहुत जोरों की भूख लगी हो तो बनाए एकदम सुपर सा नाश्ता जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है मिनटों में और खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सा लगता है हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल ज्योति मेकिंग में मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा ट्रिक लेकर के आई हूँ और बहुत ही आसान सा नाश्ता लेकर के आई हूँ जो कि आपको मिनटों में बन जाएगा जो कि जबकि आपकी बहुत जोरों से भूख लगी हो तो ये झटपट सा और बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता बनाइए आज मैं मुमुरा का नाश्ता बनाने वाली हूँ जतिया मुरमुरा का चटपटा और झाल मुरही खाकर तंग आ चुके हैं तो ये बनाइए सुपर डुपर सा नाश्ता जो कि मिनटों में बनकर तैयार तो हो जाता है सबसे पहले यहाँ मुह को अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद यहाँ मैं ली हूँ एक पेन और इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल आप जो भी तेल पसंद करते हैं वो तेल डाल सकते हैं और इसमें मैं रही हूँ मूँगफली और मूँगफली को हल्का चटकने तक इसे भूनना है ज़्यादा नहीं भूनना है इससे आवाज़ आना स्टार्टिंग हो और ये हल्का सुनहरा हो जाए तब तक इसे भूनना है और मूँगफली भूलने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज और ये मैं में एक कटोरा प्याज काट ली हूँ प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है और हल्का ही इसे सुनहरा करना है उसके बाद डालना है एक हरी मिर्च और हरी मिर्च डालकर मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ दोस्तों आप भी इस तरीके से एक बार बनाइए ये चटपटा और मसालेदार सा नाश्ता जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा सा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है मुमुरा का यदि आप झाल मुरी और चटपटा खाकर तंग आ चुके हैं ये एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ यहाँ मैं नमक हल्दी और लाल मिर्च और धनिया पाउडर मैं इसमें डाल दी हूँ और डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ जिससे कि ये सारे मसाले अच्छी तरह से प्याज में और मूँगफली में अच्छी तरह से मिल जाए और मिल चुका है तो अब मैं इसमें डालूँगी मुरमुरा जिसे मैं अच्छी तरह से धोकर सॉफ्ट बना ली हूँ ये सॉफ्ट बन चुका है तो और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है क्योंकि ये खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगता है जब भी मन करता है तो आप मिनटों में इसे बना सकते हैं और खाने में इतना टेस्टी लगता है जबकि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा तो अब मैं इसमें डालती हूँ आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच चाट मसाला और इसके बाद आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा मैं इसमें आमचूर पाउडर डाली हूँ दोस्तों यदि आपके पास आमचूर्ण पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं इसकी जगह पर आप नींबू भी डाल सकते हैं और इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है और ढककर कर दो तीन मिनट के लिए इसे पकाना है दोस्तों इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसे सारे मसाले डाल दिए हैं तो इतनी अच्छी तरह से मिलेगी जिससे कि ये सारे मसाले और मुमुरा सारी अच्छी तरह से मिल जाए कहीं भी ये गुठलियाँ ना रहे और अच्छी तरह से मिल जाए तो यहाँ मैं सारे मसाले खूब अच्छी तरह से मिला दी हूँ और इसे ढक दी हूँ दो मिनट मैं इसे ढक दी हूँ और दो मिनट के बाद बहुत ही अच्छा इससे खुशबू आना स्टार्टिंग हो जाएगा एकदम खट्टा चटपटा सा नाश्ता जो कि खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है जिसका जवाब ही नहीं आप भी इसे एक बार बनाइए और ट्राई कीजिए और ये नाश्ता आपको कैसा लगा इसे आप भी एक बार बनाइए और खाइए उसके बाद कमेंट कीजिए कि ये नाश्ता कितना अच्छा आपको लगा दोस्तों ये ना चटपटा और स्वादिष्ट सारे ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं नहीं तो इस पर कुछ मिक्सर या भुजिया डाल दीजिए और खाइए चटपटा और स्वादिष्ट सा नाश्ता दोस्तों यदि कुछ नया खाने का मन हो तो झटपट से बनाइए मुरमुरा का चटपटा और स्वादिष्ट सा नाश्ता दोस्तों इसे आप मुरमुरा का पोहा भी कर सकते हैं नहीं तो आपके दिल में जो आए सो कर सकते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर सा नाश्ता ये बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि आप पहली बार देख रहे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपको भी ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद